First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस नॉर्थ आर से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, चार दिन से खाड़ी में अरबाज की डेथ बॉडी की तलाश की जा रही थी, मगर अब अरबाज की डेथ बॉडी जो है वो बरामद हो गई। आप समय हम लोग मुमरा के पाटिलवाड़ी में हैं, आप यहां देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी आ गई है, खाड़ी से उसकी डेथ बॉडी जो है वो बरामद कर ली गई है। दरअसल बता दें, अर्चन किने नाम का एक शख्स जो है वो मुमरा रेलवे स्टेशन से जो फास्ट लाइन जाती है वहाँ खाड़ी के पास में जो फास्ट लाइन की खाड़ी है वहाँ पर इसकी डेथ बॉडी झाड़ियों में फंसी हुई थी। और उसके बाद उस शख्स को जो अर्चन किने नाम का शख्स है वो दरअसल मछली पकड़ने के लिए वहाँ गया था और उसे ये डेथ बॉडी जैसे उसने देखा, उसने इस खबर को देखा हुआ था कि एक अरबाज नाम का शख्स खाड़ी में छलांग लगा दिया है। बहरहाल उसके परिवार वालों के सदस्यों को बुलाकर पहले उसने पहचान कराई कि क्या वाकई में ये अरबाज का जो है शव है। परिवार के लोगों ने उसकी पहचान की कि हाँ, ये अरबाज का ही शव है, जिसके बाद मुमरा पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और नाव के जरिए खाड़ी के रास्ते से बाबा जी पाटिल पर यहाँ पर उसका अरबाज का शव बहरहाल लेकर आया गया है। चार दिन के बाद जो है आज अरबाज का शव खाड़ी से बरामद किया गया है। लेकिन जिस तरह से अरबाज के शव को ढूंढने के लिए एक धुलमुल रवैया भी देखा गया, लापरवाही बरती गई उससे ढूंढने के लिए, ये भी किसी से छिपा नहीं है। आपने खबरों में भी देखा कि किस तरह से लापरवाही बरती जा रही थी। हालांकि लास्ट जो उसकी बरामद की गई है वो जो प्रशासनिक अमला है उन्होंने नहीं बरामद किया है, बल्कि एक मछली पकड़ने के लिए जो अर्चन किने नाम के शख्स हैं वो खाड़ी में गए हुए थे और उन्हें जो है इस अरबाज नाम के लड़के का शव जो है मुमरा के फास्ट रेलवे लाइन जो खाड़ी है वहाँ पर उसे मिला। उसके बाद आज यहाँ पर शव को लाया गया है। पुलिस, मुमरा पुलिस के लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। बहरहाल दमकल विभाग की टीम भी यहाँ पर आई हुई थी और परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हैं और शव जो है अब यहाँ से बहरहाल ले जाने के लिए तैयारी की जा रही है। कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में यहाँ से शव लेकर जाने की तैयारी की जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, एम्बुलेंस में शव रखा गया है और मुमरा पुलिस के जवान भी यहां पर मौजूद हैं, जो यहां पर जिस तरह से अब बाबा जी पाटिल के जो इलाका है यहां पर शव लाया गया, अब लेकर जाने की यहां से तैयारी जो है की जा रही है। जिस तरह से तमाम सवाल उठ रहे थे कि अरबाज ने खाड़ी में छलांग लगाई या नहीं लगाई है, तमाम व्यूवर जो है इस तरह की बातें कर रहे थे क्योंकि अरबाज का शव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब चार दिन गुजरने के बाद अरबाज का शव जो है यहां पर मिला और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के ज़रिए जो है अब अरबाज के शव को लेकर यहाँ से शिवाजी महाराज हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है और मुमरा पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी। बहरहाल जिस तरह से जो भी आरोप लग रहे थे, अब ये एक जांच का विषय है कि आखिर अरबाज ने क्यों खाड़ी में छलांग लगाई थी, इसकी पूरी जांच मुमरा पुलिस करेगी। उसके बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर उसके जो दोस्त हैं, जिन दोस्तों ने जो जिस तरह से गवाही दी थी, जो एक लड़की से अफेयर का मामला भी बताया जा रहा था, इस तमाम चीज़ों पर मुमरा पुलिस जो है अब जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर अरबाज की इस खुदकुशी की वजह क्या है। मेरा नाम आदिचंद्र किने, मैं तोलीवाड़ा में रहता हूँ। ये बॉडी फास्ट के कॉर्नर पर इधर मिली, वो झाड़ी में फंसा था पूरा रेलवे फास्ट ट्रेन, हाँ फास्ट के इधर झाड़ी में पूरी घुस गई थी। तो वो दिखने में दिक्कत थी, तो सुबह में मैं जा रहा था मछली पकड़ने, तो उतने में मेरे को देखे तो ऐसे में इन्फॉर्म गया कि बाबा तुम्हारे घर की बॉडी है कि दूसरी बॉडी है। तो उनके दो बंदे आए, उन्होंने देखे, नहीं ज़्यादा बोलते अपने घर की बॉडी है, हाँ तो ठीक है, बोला अपन रस्सी बांध के निकाल लेंगे बॉडी और फिर पुलिस स्टेशन वगैरह सबको अपन। अच्छा, उनके परिवार वालों से आपने संपर्क किया? संपर्क किया था, तो उन्होंने पहचान की कि ये अरबाज की डेथ बॉडी है। डेथ बॉडी उसका दोस्त ही था अरबाज का खास। तो अभी कैसे फिर वहाँ से यहाँ पर लेकर आए? नाव को बांध के लेके आए हम लोग, पैर में रस्सी बांधे, नाव में नहीं ले सकते क्यों गली हुई बॉडी पूरा ये होता है
हाँ, तो हम लोग नाव में नहीं, ताजी जब बॉडी रहती ना तुरंत हम लोग 6 घंटे में 5 घंटे में निकले गए, तो पटक से नाव में लेते। आप रहते कि हाँ अनिल कोलवाड़ा। अनिल कोलवाड़ा, अच्छा आप लगातार 4 दिन से ढूंढ रहे थे। हाँ, और 4 दिन में हमने पूरी तरह लापरवाही, फाइव ब्रेकेट मनपा द्वारा, नहीं 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 देखो जो टीम लगी, देखो 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 अपन उनपे लांचा लगाने कुछ है नहीं, क्यों इतने पानी में ना वो लोग नहीं उतर सकते, तो उनका कैसा रहता है गर्ल्स है ये, जितनी उन्होंने हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं, हर साल हमारे साथ में रहते हैं, उनको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि पानी का भाव ऐसा है कि कभी भरता है तो कभी उतरता है, तो ये क्या कुआ नहीं क्या तालाब नहीं, तो बॉडी एक जगह पे मिलेंगे। तो वो लोग थे हमारे साथ में, आगासन तक हमारे साथ में 2 दिन तक थे वो लोग। फर्स्ट डे आप ही उतरे थे बोट लेके, और यहाँ के जो टहलने नहीं आते थे उस शख्स के दोस्त थे आपके साथ में लगातार। हाँ, उन्होंने दीवा, हाँ, और दीवा से रेती बंदर तक, हाँ, सफर किया, सब सफर पूरी गाड़ी। हाँ, उन्होंने सफर किया, और उस दौर में जितना आपने सफर किया, जो सुबह गिरने के बाद से जो 2-4 घंटा 5 घंटा उस टाइम पे भी फाइव ब्रिकेट वहाँ मौजूद नहीं। फाइव ब्रिकेट देखो, मैं जब भी आया हूँ मेरे सामने थी। अभी तुमको बताता हूँ, परसों के दिन वो मेरे घर पे 7:30 बजे पहुँची थी घर पे, तो मैं खाड़ी में जाने, तो मैं उनके साथ में हम लोग 7:45 बजे इधर पहुँचे थे उस दिन। बोले तो जो गिरा उसके दूसरे दिन, तभी से मेरे साथ में थे वो।